आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय वायुसेना के बारे में। इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल किया गया है जिसमें कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स अपने हिस्टोरिक लो पर। जी हाँ, इस समय भारतीय वायुसेना के पास में 31 स्क्वाड्रन है और ये स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ 1965 के बाद में सबसे कम नंबर है। जब भी कभी इस तरीके का कोई भी आर्टिकल आता है तो आमतौर पर लोगों की तरफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस चारों तरफ होते हैं। ये क्वेश्चंस जरूरी हैं और ऐसे ही अकाउंटेबिलिटी आती है। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि डिफेंस में जब भी कोई डिसीशन आज लिया जाता है तो उसका इम्पैक्ट 10 साल के बाद दिखाई देता है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, अक्टूबर 2018 में भारत और रशिया के बीच में S-400 ट्रायम्फ को लेकर एक डील हुई थी और इसकी डिलीवरी अभी भी चल रही है। कुछ इसी तरीके से आप 36 रफाल की डील को भी देख सकते हैं। डील साइन होने के 36 मंथ्स के बाद में भारत को रफाल मिलना शुरू हो गए थे और टोटल 36 रफाल 36 मंथ्स में भारतीय वायुसेना को डिलीवर कर दिया गया था। हालांकि वो प्रोसेस काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन अज्यूम कर लीजिए कि डील के स्टार्ट होने के 2 साल पहले वो प्रोसेस शुरू हुआ था। और ये चीज हम सभी जानते हैं कि भारतीय वायुसेना को अपना लास्ट रफाल 16 दिसंबर साल 2022 को मिल गया था। इस समय ये फाइटर जेट्स पूरी तरीके से ऑपरेशनल हैं, हालांकि कुछ वेपन सिस्टम्स की इंटीग्रेशन अभी भी बाकी है। आमतौर पर किसी भी डील के 2 साल पहले से ये प्रोसेस शुरू होता है और पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करने के लिए सिस्टम को लगभग 2 साल का समय और लगता है। यानी कि अगर केवल प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में 6 साल का समय लगता है तो पूरी तरीके से ऑपरेशनलाइज करने में उसको 10 साल का समय लगता है। आज हम लोग साल 2024 में है, यानी कि यहां से 10 साल पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उस समय जो डिसीशंस लिए गए थे उसके एडवांटेज आज हम लोग ले रहे हैं। उस समय फाइनेंशियली जब चीजों को वर्कआउट किया गया था तब रियलाइज किया गया था कि रफाल एक बहुत कॉस्टली फाइटर जेट है और आप 126 रफाल नहीं खरीद सकते। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को लेकर बातचीत हो रही थी और आइडिया था कि इमीडिएट रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए 36 रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर किए जाएंगे और ये 36 का नंबर बहुत सोच समझ कर डिसाइड किया गया था। देखिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर दासों एविएशन के पास में 12 एयरक्राफ्ट पर ईयर मैन्युफैक्चर करने की क्षमता थी और आइडिया था कि फ्रेंच एयरफोर्स के ऑर्डर के पहले का जो स्लॉट था उसका यूज करते हुए ये 36 एयरक्राफ्ट बनवा लिए जाएं। उस समय रफाल फाइटर जेट्स में कुछ चेंजेस किए जा रहे थे और फ्रेंच एयरफोर्स के लिए इन फाइटर जेट्स को ऑप्टिमाइज किया जा रहा था। आइडिया था कि ये ऑप्टिमाइज्ड वेरिएंट साल 2023 से बनना शुरू होंगे और इसी वजह से भारतीय वायुसेना की तरफ से ये जो नंबर डिसाइड किया गया था वो 36 का था, ताकि इस ऑर्डर के शुरू होने से पहले भारत की डिलीवरी कम्प्लीट हो जाए। रेकॉर्ड्स के लिए मैं बता दूं कि भारतीय वायुसेना को अपना लास्ट रफाल 16 दिसंबर साल 2022 को मिला है। तब से अब तक अगर आप रफाल की डिलीवरी को देखेंगे तो फ्रेंच एयरफोर्स के लिए 13 रफाल साल 2023 में डिलीवर किए गए हैं और केवल 6 एयरक्राफ्ट इस साल अगस्त तक डिलीवर किए गए। यानी कि अगर भारत का ऑर्डर बड़ा होता तो भी डिलीवरी नहीं होती और अगर आप फॉलो ऑन ऑर्डर देते तो भी डिलीवरी कम्प्लीट नहीं होती। उस समय भारतीय वायुसेना और भारत सरकार की तरफ से काफी स्विफ्टली एक्ट करते हुए इन 36 रफाल फाइटर जेट्स को अक्वायर कर लिया था। इतना ही नहीं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह भी डिसाइड किया गया था कि तेजस मार्क 2 को शेल्फ कर दिया जाएगा और तेजस मार्क 1A को ज्यादा नंबर में ऑर्डर किया जाएगा। आइडिया था कि MRFM में 114 सिंगल इंजन फाइटर जेट अक्वायर किए जाएंगे जो मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट्स होंगे। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर साल 2017 की एक न्यूज को देख रहे हैं जहां पर परिकर साहब की तरफ से कहा गया था कि 114 सिंगल इंजन फाइटर जेट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत भारत में बनाए जाएंगे। यानी कि आइडिया था या तो ग्रिपन या F-21 भारत में बनाया जाएगा, लेकिन दोनों ही केस में ये एयरक्राफ्ट काफी हद तक US के ऊपर डिपेंडेंट थे और S-400 ट्रायम्फ की डील के चलते भारत के ऊपर सैंक्शंस का खतरा लटका हुआ था। इसके अलावा ग्रिपन ई और F-21 दोनों पेपर के ऊपर थे और ब्राजील को अपना पहला ग्रिपन ई साल 2022 में मिला है। दूसरी ओर लगभग इसी समय तक भारत रशिया के साथ में FGFA को लेकर बातचीत कर रहा था और आइडिया था कि लगभग 200 FGFA फाइटर जेट भारत में बनाए जाएंगे। अब साल 2021 में आपने 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया है और इस समय हम लोग साल 2024 में हैं, लेकिन अभी तक पहला फाइटर जेट डिलीवर नहीं हुआ है। ये बात सच है कि इस समय पूरे वर्ल्ड में सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन कारण जो भी हो ये सारे प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिबल हैं भारत को आज इस स्थिति में लाने के लिए। होप इस वीडियो के बाद में आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।